अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। किसी पर गोली मत चलाना वरना कोई नहीं बचेगा। हथियार हमारे पास भी है, तू तो खाली हाथ है। चल चल चल, हमें धमकी दे रहा है, निकल। अबे तू बच के तो बता। ये तो बहुत खतरनाक गुंडे हैं, इन्हें रोकना है तो अब मुझे अपने नागिन रूप में आना होगा। ये क्या हो रहा है? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रही हूँ? अपना नागिन रूप क्यों नहीं ले पा रही हूँ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? बस कर, बहुत मार लिया तूने, अब तू मरेगा। ये सब क्यों किया तुमने? हाँ प्रथा, तुम्ही ने तो कहा था तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी। घर में कोई नहीं है लेकिन मैंने डॉक्टर को बुलाया, बस वो आ ही रहे। शुक्र है कि गोली छूकर निकल गई। इनका ख्याल रखिएगा, शी विल बी फाइन, नॉट टू वरी। तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं अभी आता हूं। ये सब कैसे हुआ है? मेरी शक्तियां कहां है? तुम शेष नागिन नहीं बन सकी, बहुत कोशिश की दीदी, अपना नागिन रूप ले ही नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। वो लोग ऋषभ पर वार करने लगे थे, मैं बीच में आ गई। अगर मैं बीच में नहीं आती तो वो ऋषभ को मार देते। दीदी, अगर वहां कुछ हो भी जाता तो कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो होता कि मैंने उसे बचा लिया। प्रथा, तुम्हारी शक्तियां कहां गई? पता नहीं दीदी। तुम शेष नागिन हो और तुम्हारी शक्तियां ऐसे गायब नहीं हो सकती हैं। तुम्हें पता है ना, इसी घर में नीचे हमारे बाबा है, हम उनसे मिल नहीं सकते, उनके पास जा नहीं सकते। हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी क्योंकि हमें ही चुना गया इस देश और इस दुनिया को बचाने के लिए। और तुम शेष नागिनो, सबको तुम बचाने वाली हो, तुम्हें चुना गया है, मुझे नहीं। कहीं तुमने ही तो ये शक्तियां छोड़नी दी, प्यार हो गया तुम्हें कहीं इसी वजह से? तो सच में नहीं पता ये सब कब हुआ, ये सब कैसे हुआ। पर हुआ, और इतना बड़ा कुछ हुआ, पर तुम्हारे चेहरे पे अफसोस की एक शिकन तक नहीं। दीदी, मुझे सच में नहीं पता मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गई। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ।
मैं इस देश को बचाने आई हूँ और मैं इस देश को बचाऊंगी भी। वो सब मुझे पता है, लेकिन जो मुझे नहीं पता है वो तो मुझे पता। तुम ऋषभ से प्यार करती हो ना? दीदी, मैं बस इस देश को बचाने आई हूँ और ऋषभ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। दीदी, ऋषभ का हक बनता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, वो अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढे, एक ऐसी लड़की के साथ रहे जो उसे प्यार दे। एक नागिन उसे वो सब कभी नहीं दे पाएगी। पर जब मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं रही, तब मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। बस मेरी शक्तियां मेरे साथ नहीं थी। कहां गई और कैसे गई? मुझे नहीं पता दीदी, आपकी कसम नहीं पता। शेष नागिन की शक्तियां तभी जाती है जब उसकी मनी के साथ कुछ गलत हो, और तुम्हारी मनी के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी शक्तियां गई हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? इसी घर में किसी ने कुछ किया है, और ये तब किया है जब जब तुमने दीर्घायुष पूजा करने के लिए नाग मणि अपनी नाभि से बाहर निकाली थी। उस नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे उस नाग महल में जब हम गए थे तो वो नाग मणि तुम्हारे पास ही थी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने वो नाग मणि अपनी नाभि से बाहर निकाली थी तब कौन कौन वहां था? वहां तो बस आप थे और बाबा थे और कोई भी नहीं था, सब ठीक था। उस पूजा के बाद जब मैंने अपना नाग मणि पापा से अपनी नाभि में लिया, तब उसके बाद से मुझे मेरी शक्तियां नहीं मिली। अरे और उन लोगों ने एकदम से हम पर अटैक कर दिया सबके सामने। चाय और कचौरी के साथ कहानी सुनने का मजा ही कुछ और। ये बात सही बोली आपने। तो मैं क्या कह रहा था माँ, वहाँ बहुत सारे लोग थे पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, चोट नहीं पहुंची, किसी को भी हानि नहीं पहुंचने दी हमने, है ना। इनफैक्ट शॉपकीपर का भी कोई सामान चोरी नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत है। उसने तो हमें गिफ्ट भी दे दिया, वही जो हमारी भाभी को बहुत पसंद था। भाई पर गुंडों को तो आप हैंडल कर रहे थे ना, तो भाभी को चोट कैसे लग गई? अरे तुम्हारी भाभी है ना, इनको हीरो बनने का बहुत शौक है, तो जब वो मुझ पर अटैक कर रहे थे एकदम से सामने आके खड़ी हो गई जैसे कि इसके पास कोई सुपर पावर्स है और इसको गोली लगी कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, है ना? कोई बात नहीं, दिखाओ। लेकिन आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? नहीं बेटा, तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब छोड़ो ना इन बातों को, लेकिन आज अगर तू सही सलामत है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रथा की वजह से। निशाना तुझ पे लगा था लेकिन प्रथा ने अपने ऊपर ले लिया, तुझे बचा लिया बेटा। आज इसके प्यार की वजह से इस घर का बच्चा ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच प्रथा। सही बोला मां आपने। मैं हेलो, मैं आता हूं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था। आप नीचे जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये वायर यहाँ ऐसे नहीं हो सकती, किसी ने जानबूझ के किया है। कल आपने प्रथा को बचा लिया, आज मेरे भाई ने बचा लिया, वहां से उठा लाया, पर आज रात को इसे कोई नहीं बचा सकेगा। रात को इसकी मौत लिखी है। आप मास्टरमाइंड होकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज रात मैं इसे मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। कोई ऋषभ को क्यों मारना चाहता है और मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? भाभी बहुत बुरे तरीके से लग गई ना आपको। कोई नहीं यश, चलो आज मैं तुम्हें माफ कर देती। मुझे पता है तुम मुझसे थोड़े उदास हो,
क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें वो मैसेज किया था, पर दोबारा ऐसा कुछ मत करना। एक रिहानी है जिसने मुझे मेरे नागिन रूप में देखा था, पर मैंने इसे सम्मोहित करके इसकी यादों से मेरा वो रूप भुला दिया था। पर इतना तो मुझे पता है कि ये मुझसे गुस्सा है, तो गुस्से में आके कहीं इसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर उस पांचवे असुर से तो नहीं ऐसा कुछ करवाया जिसकी वजह से मेरी शक्तियाँ चली गई। पता तो मुझे लगाना है। मेरे कमरे में आके मिलो। क्यों बुलाया मुझे? क्या करने वाला था उसके साथ? क्या करने वाला था? मतलब आखिरी बार बोल रहा हूं, उस लड़की पर आंच नहीं आनी चाहिए। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो मेरी भाभी है ना, मुझे उससे कोई मतलब है ना आपको? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो देशद्रोही हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और यहाँ एक लड़की को बचाना चाहते हैं, क्यों? उससे तुझे क्या लेना देना? तूने मैसेज भेजा कि नहीं, तू उस लड़की को मार देगा? कौन सा मैसेज? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया कि तूने मैसेज भेजा था? फोन चेक कर, निकल। मेरे कमरे में आके मुझसे मिलो। व्हाट? पर मैंने आपको कोई मैसेज नहीं भेजा। हेलो, अगर इसने मैसेज नहीं भेजा तो किसने भेजा? मैंने। मैंने ही दीदी को कहा था कि वो रेहान के फोन से असुरों के सरदार को मैसेज करे। तो आप है वो मास्टरमाइंड। तो असुरों के सरदार ने इस शेष नागिन को बेवकूफ बना दिया। क्यों किया आपने ये सब पापा? आप ही है वो पांचवे असुर, आप ही ने मेरी नागमणि चुराई। क्यों पापा? बैठना, मैं समझाता हूँ ना तुझे। मुझे कुछ नहीं समझना। सुन लेना मेरी बात, मैं सब बताता हूँ तुझे। तो बताइए, मेरी नागमणि कहाँ है? कहाँ है मेरी मणि? प्रथा, मेरी बात तो सुन ले। प्रथा, मैं बताता हूँ। मेरी मणि? मैं बताता हूँ ना तुझे बेटा। प्रथा, मेरी बात सुन। प्रथा, नागमणि कहाँ है बाबा, बताइए। मेरी बात सुन बेटा, सब बता दूंगा, सब सच बता दूंगा बेटा। नागमणि है कहाँ? मेरी बात दीजिए, मेरी मणि मुझे वापस दीजिए। प्रथा, मैं सब बता दूंगा तुझे, लेकिन अब वक्त नहीं है। रोजा, क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी बेटा, मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि तुझे वहां लाना है। ऋषभ जी, मैं इन्हें संभालती हूँ, आप बहुत थक के होंगे, जाके आराम कीजिए ना।
मुझे पता है कि मैंने चोट दी है, लेकिन तुझे उस चोट से कुछ नहीं होगा। जरा सा झटका दिया है ताकि तू थोड़ी देर के लिए सो जाए और मुझे वक्त मिल जाएगा वहां जाने का जहां मुझे जाना है, और तू मेरे पास आ जाएगी। आ जा बेटा। अब समय आ गया, तुम्हारे उठने का समय आ गया प्रथा। ये नागमणि एक शेष नागिन को नागिन में कही हुई सारी बातें सुनाई देगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां आना है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास शेष नागिन की शक्तियां नहीं है, और नागमणि में की हुई सारी बात तुम्हें सुनाई देगी प्रथा। कहाँ है बाबा? बाबा तुझे बुला रहे हैं, मेरे पास आ। तेरी मणि मेरे पास है, लेने नहीं आएगी मणि, अपनी शक्तियां। या तो साधारण सी जिंदगी जी के अपने सपने को बचा ले, या फिर यहाँ आके ये मणि ले ले और अपने देश को बचा ले। तू सही थी, मैं असुर हूँ, वो पांचवा असुर मैं हूं जिसे तू ढूंढ रही थी। ये मणि मेरे पास है, लेने नहीं आएगी तू उसे, अपनी शक्तियां को। मणि बाबा के पास है। प्रथा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मणि बाबा के पास है, और उस मणि में मेरी आत्मा छिपी है। वही मुझे बताएगी कि वो मणि है कहाँ। मुझे वहां जाना होगा दीदी, असुरों का विनाश करने, उनका सर्वनाश करने। मैं इस धरती पे अपना कर्म पूरा करूंगी, अपना धर्म निभाऊंगी, और हमारा धर्म कहता है कि अगर हमारे अपने ही अपने दुश्मन हो जाए तो अपनों को बचाने के लिए हमारे अपनों से युद्ध करना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि ये डील यही होगी। ये देश का सबसे पवित्र और महान भूमि है। यहाँ नागिनों के देव महादेव नहीं है, कोई शिव कोई शव आज इस दुनिया को नहीं बचा सकता, इस देश को नहीं बचा सकता। हम तो यमुना में डाल रहे थे, कितना छोटा काम कर रहे थे। यमुना तो एक छोटा सा हिस्सा इस देश का, मगर ये हिमालय, हिमालय पर्वत से निकली वो धारा, जब ये जहर उसमें खुलेगा तो पूरे देश में फैल जाएगा, पूरा देश तबाह हो जाएगा। आज कुछ ही देर बाद जब मेरा मकसद खत्म होगा तो ये देश जहर की पूरी आग से जलकर राख हो जाएगा। इस बार जहर पानी में नहीं, बर्फ में खुलेगा। पूरे देश का बर्फ का ये पानी ही पूरे देश की प्यास बुझाता है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये मणि जिससे तू पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या देगी ये मणि तुझे? क्या दिया है इस देश ने और क्या दिया है शिव ने हमें? उस रात जो हुआ बेटा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी मां ने इतने तपस्या करने के बाद भी क्या बचाने आए शिव उसे? वो दोनों जन ने जो आग लगाई उसमें तेरी मां जलकर मर गई। मैं जिस बेटी की शादी देखना चाहता था नहीं देख पाया। क्या है ये देश? ये देश, ये हमारी मिट्टी है बाबा, ये देश हमारा है बाबा, ये भगवान हमारा है।
इस देश नहीं हमारे हमारा? हमारा क्या हा? जब हमारा घर जल रहा था, जब हमारा परिवार जल रहा था, तो कहां था ये देश? कहां थे तुम्हारे शिव? तेरी माँ रोज शिव की आराधना करती थी, तपस्या करती थी, क्यों नहीं आए बचाने भगवान उन्हें? तेरी बहन उस रात शेष नागिन बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तुझे चुना। आप चुन रहे हो कि आप नागिन बनो? मैं तो कभी ना चुनू। मैं तो किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी करूंगी और आम इंसानों वाली जिंदगी जीऊंगी। बेटा तू तो एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहती थी, तेरे सपने तेरे अरमान सब टूट गए। मेरी पत्नी मर गई, क्या किया शिव ने तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए? क्या किया इस देश ने? दोनों लड़कों में से एक लड़का तो मर गया, लेकिन दूसरा बच गया, कानून से भी बच गया, कुछ नहीं हुआ उसे। तू और तेरी बहन इस जमीन में समा गए, इस धरती की जमीन में। हमारा पूरा नाग महल जलकर खाक हो गया। कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। बहुत इंसाफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। प्रथा ये देश हमारी मिट्टी है बाबा। मेरे पूरे परिवार को मिट्टी पलित कर दिया। क्या नहीं किया मैंने इंसाफ के लिए? कहां कहां नहीं भागा इंसाफ के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस देश ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो भी किया मैंने किया। मैंने उस कातिल को ढूंढा और अपने इन्हीं हाथों से उसे मार दिया। मैंने तुम दोनों को कहां कहां नहीं ढूंढा, बहुत ढूंढा कि तुम दोनों मुझे मिल जाओ। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे बाबा जिंदा है, लेकिन तुम लोग नहीं मिले। और उसके बाद मुझे पता चला कि तू और महक इस देश पर उद्धार कर रहे हो, असुरों से इस देश को बचा रहे हैं। ये देश को बचाना, ये सब तुम्हारी मां चाहती थी, मैं नहीं। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं असुरों के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। खत्म कर दूंगा इस देश को, कोई नहीं बचा पाएगा। कौन आया था हमें बचाने बताओ? जब हम टूट रहे थे तो कौन आया था हमें बचाने? कोई नहीं। अब ये देश टूटेगा, ये जहर सबको मार देगा। इस देश से बदला लेने के लिए आपने मेरे पति पर भी हमला करवाया, पर फिर भी मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, क्योंकि आप मेरे बाबा हैं। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने कुछ नहीं किया। उस पर हमला करने के लिए आपने उसके पीछे गुंडे भेजे थे। मैंने किसी को नहीं भेजा बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पर अब तो कर रहे हैं ना। बता दीजिए वो जहर कहाँ है? वो जहर अगर फैल गया ना तो सब कुछ नष्ट कर देगा, कोई नहीं बच पाएगा। बस बता दीजिए वो जहर कहाँ है बाबा। अमृत और विष तेरे ही अंदर है, अच्छाई और बुराई तेरे ही अंदर है, राम और रावण तेरे ही अंदर है। मेरे अंदर है? हाँ, तेरे अंदर। दीर्घ आयुष की पूजा के स्नान के बाद वो मणि तूने जो अपनी नाभि में रखी थी, तुझे लगा कि वो मणि तेरी है। नहीं, वो मणि तेरी नहीं थी, वो मणि बदल गई थी, मैंने बदली थी। और जो मणि तूने अपनी नाभि में रखी थी वो दुनिया की सबसे जहरीली मणि है। तेरी शक्तियां तो सब चली गई, क्योंकि तेरे पास
ये शक्तिशाली नागमणि नहीं है, ये नागमणि मेरे पास है। ये नागमणि क्या है तू तो जानती है ना, इसमें शिव की शक्ति का अमृत है। और तेरे पास जो मणि है वो जहर से भी जहरीला जहर है। मुझे पता है, ये सब जानने के बाद तू मुझसे बहुत नफरत करेगी, लेकिन एक दिन आएगा बेटा, आज के दिन के लिए तू मुझे प्यार करेगी। आज तू चलता फिरता जहर है, अब इस पूरे पर्वत में तू जहर बन के फैल जाएगी, जिस जगह को भी छुएगी वो जहर बन जाएगी। सुबह होते ही जैसे बर्फ का पर्वत पिघलेगा, उसके पानी से नदियां बन जाएगी, वो नदियां जो पूरे देश में जाती हैं, अपना पानी जन जन तक पहुंचाती है। तेरे पास 3 घंटे हैं प्रथा, और 3 घंटों में जो बन पाता है कर लो, लेकिन तू कुछ कर नहीं पाएगी। प्रथा भागो, भागो प्रथा। मणि मेरे पास है महक, तू उसे छू भी नहीं सकेगी। मेरी बेटी है, तू तो समझ। अगर तू नहीं समझेगी तो ये चील तुझे भी चीर फाड़ देंगे। देख, देख तेरी बहन को देख, वार कर दिया है उसपे। बाबा, या यूं कह ले कि तेरा वार तेरी बहन ने अपने ऊपर ले लिया है तुझे बचाने के लिए। पर कब तक लड़ेगी? तू भी जानती है महक शेषनागी नहीं है, वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगी। बचा ले उसे। जा, बचा ले अपनी बहन को। शक्तियां तो है नहीं तेरे पास, लेकिन फिर भी यहां जा, कोशिश कर। अगर गलती से भी चील ने तुझ पर वार कर दिया और तेरी एक खून की बूंद जमीन पर गिरी, तो ये सारी बर्फीली जमीन जहरीली हो जाएगी, विषैली हो जाएगी। ये बर्फीला पानी जहरीली नदी में बदल जाएगा, जैसे यमुना का पानी जिसका विष तूने पी लिया था तू जब शेष नागिन थी। पर अब तू शेष नागिन नहीं है, ये जहर को तू नहीं पी पाएगी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों मेरी बेटियां हो, मेरी बेटियों से, मेरी पत्नी से, मुझसे ये देश ने सब कुछ छीन लिया।
मेरा फिरंग दोस्त है ना, वो हमें बहुत सारे पैसे देगा। हम इस देश को तबाह करके यहाँ से दूर चले जाएंगे और चिंगिस्तान जाके हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। हाँ, मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अपनी लाडली बेटियों को नहीं खोना चाहता। बैक, बैक, तू वापस जा। प्रथा, तेरे खून पसीने की एक भी बूंद इस धरती पर गिरी ना तो फिर तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, कुछ नहीं कर पाएगी। वायरस यहाँ गिरेगा और पूरे देश में फैल जाएगा। बेटा, मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूं। तू हम सब तीनों की जिंदगी बचा सकती है, सब तेरे हाथ में है। प्रथा, मैं तेरा बाबा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बेटियों के लिए कर रहा हूं। सोचना, मैं तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर तुम दोनों की जिंदगी नहीं संवार सका। एक बेटी जो शादी करके साधारण सी जिंदगी जीना चाहती है नहीं जी सकी। मेरी बड़ी बेटी शेष नागिन बनना चाहती थी मगर नागिन बनकर रह गई। मेरे परिवार को मारने वाला ये देश, उसके लिए तू मारी जा रही है। तू बचाना चाहती है इस देश को, पर क्यों? बचा ले बेटा। बुला ले तेरे भगवान को। बचा सकती है तो बचा ले। भी जल्दी क्या है, ये मनी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। हार मान ले बेटा, छोड़ दे। हे राम। हार गई मैं हार गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चल बेटा, मेरे साथ चल। जय श्री राम।